हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम इकबाल, आप देख रहे हो इकबाल एडिटिंग। तो आज फिर हम नए फ़ोन लेके आए हैं, मॉडिफाई किया हुआ। ये फ़ोन भी मैं खुद बनाया हूँ, तो चलो इस पे थोड़ा इफ़ेक्ट डाल के देखते हैं, एडिटिंग करके देखते हैं। ये देख रहे हैं ना, ये इस पे नए नए चीज़ को हम ऐड किए हैं। पूरा वीडियो देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और टाइम है तो कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पिक्सल ऐप को ओपन करते हैं, और ये टेक्स्ट को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और यहाँ से जो है हम इंपोर्ट कर लेते हैं। पहले से मैं बना के रखे हुआ हूँ अल्फ़ाबेट फॉन्ट, तो इसके लिए हम यहाँ से डायरेक्ट इम्पोर्ट करेंगे। सारे को यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं पहले। तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं। उसको एडजस्ट कर लेने के बाद इसको हम मर्ज करेंगे। उसके बाद इसमें हम एक PNG और लेंगे। ये सारा मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद इसको हम इरेज कलर करेंगे, व्हाइट कलर को हटाना है। उसके बाद फिर से इसको हम कलर कर लेंगे वाइट। यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद यहाँ से हम एक फॉन्ट लेंगे, बोनस हार्ड। उसके लिए वाला ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से हम फॉन्ट लेंगे। उसके बाद इसको हम थोड़ा रोटेट करके यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद इसका कॉपी करेंगे, इसको हम मर्ज कर लेते हैं सारे को। मर्ज करने के बाद इसको ट्रांसपेरेंट में जाएंगे, लास्ट वाला ऑप्शन में ट्रांसपेरेंट में जाएंगे। यहाँ से सेव आइकन में जाएंगे, सेव इमेज, और अल्ट्रा में इसको हम सेव करेंगे। उसके बाद हम PSCC को ओपन करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद प्लस पर जाएंगे, फोटो लाइब्रेरी में जाएंगे, यहाँ से हम फोटो ले लेते एक। फ़ोटो ले लेने के बाद फिर से प्लस पे जाएंगे, यहाँ से हम फ़ोन जो ऐड किए थे वो पिक्सल ऐप से वो ले लेते हैं। एडजस्ट कर लेना इसको अच्छे से। एडजस्ट करने के बाद इसका दो डुप्लीकेट बनाएंगे, टोटल तीन। फर्स्ट वाले लेयर में जाएंगे, इफेक्ट्स में जाएंगे, उसके बाद हम लाइटन कर देंगे इसको, सर्कल को बाहर बाय डिफॉल्ट सेटिंग। इसका हम ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन दूसरे नंबर को सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट्स में जाएंगे, ड्रॉप शैडो में जाएंगे। इसका जो है एंगल हम 120 रखेंगे, और ब्लर 8, डिस्टेंट 4। इसका भी ब्लेंडिंग मोड मल्टी कर देंगे। लास्ट वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट्स में जाएंगे, यहाँ से बेवल लेंगे,
कलर ब्लैक, एंगल एंगल 40 पे रखेंगे और 16 और 8 डिस्टेंट, 8 ब्लर 16, छः बेबल इस पर लगाएंगे। उसके बाद इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर देंगे। उसके बाद इस लास्ट वाले लेयर को सिलेक्ट करके फ़ोटो को यहाँ से हम एक फ़ोटो इंपोर्ट करेंगे, पीएनजी टेक्सचर ये वाला। तो उसके बाद इसका हम साइज़ थोड़ा छोटा कर देंगे और इसको जो है हम सेंटर पे सेव करेंगे। ओके करने के बाद बीच वाले लेयर से पिक्सल सिलेक्ट करेंगे और फिर से इस पर आके हम इस पर टेक्सचर पे इसको हम कट कर देंगे। इसी तरह से फिर से हम इसको लेंगे, इसको साइज को छोटा करेंगे उसके बाद यहाँ से हम पिक्सल सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए ये सिलेक्ट टूल लेंगे और ये टिक लगा देंगे। फिर से इस पे आके हम इसको काट देंगे। फिर से इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके बाद ये लेयर को सिलेक्ट रखना और यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट टूल लेंगे और ये सब को हम मर्ज कर देते हैं, मर्ज डाउन। उसके बाद हम बीच वाले लेयर को सिलेक्ट करके इसमें हम कलर फिल कर लेते हैं। लास्ट वाले लेयर से हम कलर फिल करेंगे, कलर वाइट टेप नोश रखेंगे। ये हो जाने के बाद बीच वाले से इसको सिलेक्ट करेंगे, ऊपर वाले से कलर फिल करेंगे, टैप इस बार फुल रखेंगे और कलर आप अपने हिसाब से। कलर आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हो, जो कलर आपको पसंद है।
थोड़ा हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। उसके बाद अब हम बीच वाले लेयर को सिलेक्ट करके इसे भी कलर कर लेते हैं। बीच वाले से सिलेक्ट करेंगे और बीच वाले से ही कलर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम ये पिक्सल सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम कलर ले ले ये ब्रश का साइज़ 5 रखेंगे और उसके बाद जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद यहाँ से इस पर हम हर कलर का सिंगल सिंगल पेंट करेंगे। ब्रश का साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेना, 10 पे रख लेना। फिर से कलर चेंज करेंगे। इसको अच्छे से आप लोग पेंट कर लेना। अच्छे से पेंट करोगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ये हो जाने के बाद फिर से हम इसको सिलेक्ट टूल लेके सिलेक्ट करेंगे पिक्सल को, और बीच वाले ही लेयर से हमको कलर भी फिल करना है। ब्रश ले लेंगे, यह हो जाने के बाद हम इसे भी कलर कर लेते हैं। यहाँ से हम सिलेक्ट टूल लेंगे, बीच वाले से सिलेक्ट करेंगे और लास्ट वाले से हम कलर वाइट टेप नोट्स रखेंगे। इसी तरह से बीच वाले से सिलेक्ट करेंगे, लास्ट वाले से हम कलर फिल करेंगे। ये हो जाने के बाद बीच वाले लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ से मिस्टिक सेट करेंगे। टेप इस पर फुल रखेंगे, कलर हम अपने हिसाब से रखेंगे। इसको हम जूम कर लेंगे थोड़ा। ये एक बार में सिलेक्ट नहीं होगा तो ट्राई करना इसको 2-3 बार। बीच वाले से ही सिलेक्ट करेंगे और बीच वाले से ही कलर फिल करेंगे।
फिर सब हो गया। उसके बाद हम यहाँ से पिक्सल को डिसलेक्ट करेंगे, फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाएंगे, ग्लो लेंगे, कलर वाइट 0 रखेंगे हम इसको, ब्लर को एकदम 0। इसका हम एक डुप्लीकेट बनाएंगे और दूसरे का भी एक डुप्लीकेट बनाएंगे, तीसरा का नहीं बनाना है। और इसमें हल्का सा हम ब्लर डाल देते हैं। उसके बाद इसमें हम एक इफ़ेक्ट लगाएंगे, इसको एडजस्ट करके उसके बाद इसका ब्लेंडिंग मोड लाइटन रखेंगे, इसका एक डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे और यहाँ से पेस्ट करेंगे। इसका भी हम ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन करेंगे, से इसका डुप्लीकेट बनाएंगे, कट करेंगे, पेस्ट करेंगे। इससे क्या होता है कि हमको एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, साइज़ बड़ा छोटा बार बार हमको गैलरी में भी जाना नहीं पड़ेगा इंपोर्ट करने के लिए। ये हो जाने के बाद हम ये जो खाली है ना एम्प्टी, उसको हम डिलीट करेंगे, इसे भी कॉपी करके जो हम उसको कट किए ना तो एम्प्टी हो गया वो। इसको हम चाहे तो मर्ज भी कर सकते हैं। मर्ज करने के बाद इसमें हम एक टेक्स्ट पीएनजी लेंगे, सारे मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यह हमारा बनके तैयार हो गया, इसको हम सेव करने के लिए डन करेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यहाँ तक देख लिए हो तो, सेव करेंगे।